अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द पब्लिक रिएक्शन शो और मैं आपकी मेज़बान अमारा वटू नाज़िन। आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है, व्हाट पाकिस्तानी स्टूडेंट थिंक अबाउट इंडिया। को इंडिया कैसा लगता है? मुझे इंडिया बहुत पसंद है क्योंकि उसका कल्चर बहुत अच्छा है और हिस्टोरिकल प्लेसेस इंडिया में बहुत अच्छी हैं सब। आपका इस टाइम इंडिया जो है ना वो प्रोग्रेस कर रहा है, काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर आपका क्या ख्याल है? इंडिया का मेरा ये ख्याल है कि वहाँ की जो स्टडी है वो बहुत अच्छी है। वहाँ पे मेडिकल फील्ड आप देख लें या मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो भी गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो सब इंडिया के हैं मोस्टली, जो भी ऑनर्स हैं या बड़े बड़े जितने भी नाम हम देखते हैं गूगल से रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड, उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। इंडिया में अच्छा लगता है क्योंकि हमारा ही हिस्सा है, हमारे दरमियान सिर्फ एक बाढ़ आ चुकी है बॉर्डर की, उसके अलावा तो हम दोनों सेम ही चीज़ हैं। यहाँ हमारे जैसे लोग हैं, हमारे मुसलमान, अगर एक दूसरे का ख्याल रखा जाए तो सबको, अगर ये फ़िरका वरिया जो मुसलमान हिंदू वगैरह ना छेड़ा जाए तो फिर ठीक है। मुझे उनकी रस्में कुछ अच्छी लगती हैं, जैसे उनके कुछ त्यौहार हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे लाइक होली एंड दिवाली, और मुझे उनके कल्चर में उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, जैसे साड़ी वहाँ की औरतें या लेडीज़ जो हैं फैमिलीज़ की, वो साड़ी कितनी अच्छी तरह कैरी करती हैं, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है उनके कल्चर में। जैसे पाकिस्तान है वैसे इंडिया है, और इनके जो क्रैशेस हैं, इनके क्रैशेस से पहले जो इंडिया था वो सेम एक ही था, मतलब ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम ही थे, इसमें कोई वो नहीं था कि मतलब अलहदापन या अलहदगी, जो भी इनके क्रैशेस वगैरह चल रहे हैं इनमें कोई भी इस तरह का कोई सीन नहीं था, लेकिन ये दोनों हैं सेम ही। तो जैसे पाकिस्तान है उसी से आई सेम से, यानी कि जो हमारा यानी कि जो एक बंदे का जो अपना निजी होता है, जो रिलेशन होता है, जो मोहब्बत होती है, प्यार होता है, वो सेम ही है, लेकिन वो किसी क्रैशेज की वजह से जो है ना आवाम इनसे एक दूसरे से बदजन हुई हुई है। अगर आपको मौका मिले इंडिया में स्टडी करने का तो आप जाएंगी, और उसके पीछे वजह क्या होगी? जी, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे इंडिया की जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के डॉक्टर्स और वहाँ के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्हें इतनी अच्छी एजुकेशन दी जाती है हर एक तरह से कि वो बहुत बेहतरीन डॉक्टर्स बनते हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर इंडिया जाऊँगी। तो चाहते हैं कि ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोसीजर किया जाए गवर्नमेंट की जानिब से, दोनों गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि उनके बच्चे हमारे पास हैं, हमें उनसे सीखने का मौका मिले, और हमारे बच्चे उस कंट्री में जाएँ ताकि हमें उनसे सीखने का मौका मिले। क्योंकि एक तो हम दोनों नज़दीकी कंट्री हैं, स्टूडेंट का जात कम होंगे, और दूसरा लर्निंग प्रोसीजर इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। उनके पास बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं और हमारे पास ब्रेन्स भी हैं, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया जा रहा। मौका तो अब इस बुनियाद पे मिल सकता है ना कि पहले इन दोनों के जो क्रैशेस चल रहे हैं वो ख़त्म होंगे, तभी मतलब बंदे के पास चॉइस होगी। और इससे पहले अगर मतलब कोई चांस आपको मिलता भी है, जो भी अपॉर्चुनिटी देते हैं स्टडी बेस पर या जैसे भी देते हैं, तो कोई भी जो पाकिस्तानी है वो ये नहीं चाहेगा कि मैं इंडिया जाकर स्टडी करूँ। हाँ, ये है कि अगर इनके क्रैशेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं तो फिर तो हर कोई बंदा जैसे अब्रॉड जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, यूके जाता है, तो वो यहाँ भी जा सकता है। इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो से काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं, क्लैशेज हैं, आप एज अ स्टूडेंट क्या ओपिनियन देंगे? सबसे बड़ा मसला मसला कश्मीर है, वो सॉल्व हो गया तो फिर मोस्टली सॉल्व हो जाएगा। आपका मसला है कश्मीर पर क्या ओपिनियन है? वो यही है ना, हमारा जब डिवीजन हुई थी तो वो हमारी तरफ था, वो लोग दे नहीं रहे, और वहाँ पर मुस्लिम पर कितना जुल्म किया जाता है। ऐसा ही आपको क्या लगता है, जो मसला कश्मीर है, जो इस टाइम कश्मीर है, वो पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए, इंडिया की तरफ होना चाहिए, या एक आज़ाद मुल्क होना चाहिए? आज़ाद होना चाहिए। जी, ये चाहती तो मैं यही हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन इसकी कोई मुझे उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के जो प्रेजिडेंट्स, उनके पॉलिटिशन जो हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान को पसंद नहीं करते, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ के पॉलिटिशन चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ अच्छा तालुकात कायम हो। जो तजारती तालुकात है दोबारा से बहाल होने चाहिए या नहीं? जी, ज़रूर होने चाहिए। देखें, नज़दीकी कंट्री आपकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाई ट्रांसपोर्ट बाई व्हीकल्स की जा सकती है, ना आपका जो दूसरा अखराजात हैं तेल के अखराजात, ना आपके टैक्सीज बढ़ेंगे। दोनों में ये देखें कि आपने सिर्फ एक चीज़ बॉर्डर की इस तरफ लानी है और बॉर्डर की उस तरफ लेके जानी है, कोई एक्सपेंस नहीं है एक्स्ट्रा। आपकी दोनों कंट्री के माशी हालात भी बेहतर होंगे और इकोनॉमिकली आप स्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि देखें, जब हम एक चीज़ मंगवा रहे हैं दुबई से या मंगवा रहे हैं मलाइशिया से, वही चीज़ हम इंडिया से मंगवाएंगे तो वो पड़ेगी हमें 2 रुपए की, जब हम मलाइशिया से मंगवाएंगे वही चीज़ हमें पड़ेगी 20 रुपए की। तो देखें कितना डिफरेंस है। जो तजारती तलुकात है ये बहाल होने चाहिए, ये अच्छे होने चाहिए।
हाँ, जहरी सी बात, अगर बाल हो जाएंगे तो आम तो रफ्त पड़ेगी, जिसकी वजह से दोनों ममालिक को फ़ायदा पहुँचेगा। बेहतर तो इनके हो जाएं, मतलब इसमें कोई वो बात खास नहीं है कि मतलब नहीं हो सकते, अगर ये चाहें तो हो सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ के हमारी जो पॉलिटिक्स चल रही है, हमारे जो सियासतदान हैं, ये हमें नोच नोच के खा रहे हैं। वैसे ही सेम ही जैसे यहाँ पर गरीब का बच्चा मर रहा है, वैसे भी वहाँ पर इंडिया पर भी गरीब का बच्चा मर रहा है, इसमें वो कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो सियासतदान हैं वो उन्हें नोच नोच के खा रहे हैं। और इन दोनों के जो क्रैशेज़ की जो बुनियाद है, जिस वजह से शुरू है, वो कश्मीर है। तो कश्मीर को इस बात का, यानी कि खुद को राइट देना चाहिए, उनमें इतनी राइट ऑफ पावर होनी चाहिए कि वो अपने, यानी कि वो खुद डिसीजन ले सकें कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे तो वो यानी कि मिड में है, वो भी पिस रहा है और ये दोनों मुल्क भी पिस रहे हैं। होनी चाहिए, ये चीज़ तो होनी चाहिए। उसकी वजह वैसे ही हर एक ममालिक के साथ है, इतना तो होना ही चाहिए। अब इस टाइम पाकिस्तान में जो और इंडिया में जो बेसिक लड़ाई है वो तो कश्मीर को ही लेके है, तो आपकी इस पे क्या ओपिनियन है एज अ स्टूडेंट कि कश्मीर आज़ाद मुल्क होना चाहिए या पाकिस्तान की तरफ हो या इंडिया की तरफ हो, आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? जी, हम तो यही चाहते हैं कि कश्मीर को उनका हक दिया जाए, ठीक है, उनको आज़ादी इजहार का हक दिया जाए। हम ये नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान के साथ है या भारत के साथ है। कश्मीरों से पूछा जाए कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, आया वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ, जिसके साथ वो कहेंगे हम एक्सेप्ट करेंगे। मेरा इसमें ये ख्याल है कि कश्मीर के लोगों को ये खुद ही उन्हें इख्तियार दिया जाए कि चाहे अगर इंडिया के साथ जाना चाहते हैं तो वो इंडिया के साथ चले जाएँ, वरना अगर वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान के साथ आएँ, क्योंकि उन लोगों को बेहतर पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये इख्तियार जो है वो हमें कश्मीरियों को ही दे देना चाहिए। शो कर रहे हैं, बेहतरीन शो कर रही हैं, स्टूडेंट से ओपिनियन ले रहे हैं, यूथ हम में देखें, यूथ कभी भी नहीं चाहती कि खून खराब आओ, ठीक है। हमारे ऊपर जो लोग मुसल्लत हो चुके हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ब्रेन वॉशिंग की जाती है। तो हम तो यही चाहते हैं कि तल्लुकात को बेहतर किया जाए और माशी तौर पर भी हम बेहतर हो जाएँगे, हर तरह से बेहतर हो जाएँगे। हम एशियन टाइगर हैं, देखें एशिया हमारे पास है, लेकिन हमारे ऊपर बाहर के लोग हुक्मरानी कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? यही ज़ाती सियासी इख्तलाफात, सियासत को साइड पर रख के अगर लोगों के बारे में सोचा जाए तो बेहतरीन हल निकाला जा सकता है इसका। कश्मीर वालों से वैसे उनसे अच्छा कुछ नहीं जानता, क्योंकि उन्हीं पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हीं को मालूम है कि ये पाबंदियाँ क्या होती हैं। अगर ये मसला सबसे बड़ा इशू, अगर इसको हल किया जाए तो सबसे बेहतर रहेगा। इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया के काफ़ी क्लैशेस चल रहे हैं, आपका इस पे क्या, आप अपनी पर्सनल राय ओपिनियन क्या देंगे कि इसको किस तरह ख़त्म करना चाहिए? ये क्लैशेस मेरे ख्याल में तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों जो हुकूमतें बैठी हैं ना, क्लैशेस रहेंगे तो इनकी हुकूमतें चलती रहेंगी। अगर ये वैसे भी कश्मीर का मसला हल कर देंगे तो ये इनके क्लैशेस आपस में ख़त्म हो जाएंगे। आप पाकिस्तान और इंडिया की ऑडियंस को लास्ट पे क्या मैसेज देंगी? बेशक हमारे रिलीजन डिफरेंट है, बट ये आपस में जो लड़ाइयाँ वगैरह ये ख़त्म हो जानी चाहिए, ठीक है। अमन होना चाहिए, यहाँ पे जो इंतशार पसंद लोग होते हैं दोनों ममालिक में मौजूद हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, और अगर कहीं नज़र आ भी जाएँ तो इनको समझाना चाहिए, अगर समझ जाएँ तो ठीक, नहीं तो इनसे फिर दूरी अख्तियार कर लेनी चाहिए। एंड पाकिस्तानी आवाम को और इंडिया की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि एज़ अ पाकिस्तानी आई लव इंडिया एंड आई विश कि मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ के कल्चर को देखूँ, वहाँ पे विज़िट करूँ, मुझे बहुत पसंद है इंडिया। बस मैं ये चाहती हूँ कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग जो आपस में उनके क्लैशेस चल रहे हैं उन्हें क्लियर करें, ये हिंदू मुस्लिम जो इनके दरमियान मुश्किल या लड़ाइयाँ चल रही हैं वो क्लियर हो जाएँ। बाकी तो दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और कल्चर वाइज भी बहुत अच्छी हैं और हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बहुत अच्छे हैं दोनों।